आज 20 फरवरी 2020 है और बृहस्पतिवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2076 है और शक संवत 1941। फागुन मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। द्वादशी तिथि है शाम 4 बजे तक और उसके बाद त्रयोदशी तिथि है। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र है सुबह 7:28 तक और उसके बाद उत्तराषाढ़ नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं धनु राशि में और चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे दोपहर 1:52 पर। आज प्रदोष व्रत है। मेष राशि वाले अपनी मेहनत से अपनी ज़िंदगी को नई दिशा देना चाह रहे हैं। उपलब्धियों से भरा हुआ समय है जिसमें अपनी कोशिशों को और मजबूत किया जा सकता है। किसी प्यार के रिश्ते को बढ़ावा देने का विचार भी है मन में। वृषभ राशि वालों का मन परेशान रहेगा तो कामकाज की अच्छी भली स्थिति भी कमज़ोर लगनी शुरू हो जाएगी और जिस प्रयास को बढ़ावा देना चाह रहे हैं उस प्रयास में भी कमी रह जाएगी। इसलिए अपने मन को पक्का करके ज़िंदगी के हर पहलू को संभालने की कोशिश करनी होगी। क्या करना चाहिए समय में? कई सारी चुनौतियां हैं जिन्हें एक एक करके संभालने की ज़रूरत है। मिथुन राशि वालों की कोशिशें अच्छी हैं और कई तरह के अच्छे मौके भी मिल रहे हैं जिन्हें पूरी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। अपनी प्रेरणा को जगा के आप अपनी कमियों को दूर करने की भी कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है इसमें लोगों के बनते बिगड़ते विचार हों आपके प्रति, पर उसे भी संभालने की ज़रूरत पड़ सकती है। कर्क राशि वालों की आमदनी भी ठीक है पर आपका पैसा टिकता नहीं। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि इस समय आप बहुत भावुकता से फैसले लेते चले जा रहे हैं और फैसलों में कोई ना कोई गलती भी होती चली जा रही। अपने पैसे को कहीं फंसाते चले जाने से बचने की ज़रूरत है। सिंह राशि वालों के रिश्ते भी संभले हुए हैं और पैसे की स्थिति भी आपकी हर तरह से मदद कर रही है। आप अपनी ज़रूरतों के साथ साथ अपनों की ज़रूरतों को भी पूरा करना चाह रहे हैं। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है जो इस समय आपके साथ जुड़ा हुआ है। कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति भी ठीक है और घर परिवार की खुशियाँ भी बनी हुई हैं। यहाँ तक कि लोगों के प्रति आपके मन में जो अच्छाई उभर रही है उसके चलते आप अपनों के लिए बहुत कुछ कर भी पा रहे हैं। ऐसा करने से ही रिश्तों को मजबूत किया जा सकता है। तुला राशि वालों को कामकाज के क्षेत्र में प्रेरणा मिल रही है और उसका अच्छा असर धन लाभ के रूप में आपको मिलता चला जा रहा है। यही वजह है कि सुख भरा समय है और घर परिवार की खुशियाँ बनी हुई हैं। वृश्चिक राशि वालों को कामकाज को पूरी तरह से समझने की कोशिश करनी होगी। रोज़मर्रा के दबाव आपके लिए बने रहेंगे और जितना इस बात को समझ लेंगे उतना ही अपने कामकाज को संभालना भी आसान हो जाएगा। धनु राशि वाले समझ लें कि जिंदगी का उतार चढ़ाव हम सब के लिए बना है। कभी कभी मन भी परेशान हो जाता है पर जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें अच्छा समय है जिसके चलते हालात आप पर हर तरह से मेहरबान है। अपनी मकर राशि वालों के लिए रोज़मर्रा की मुश्किलें हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको लगे कि लोग आपके खिलाफ, जबकि सच्चाई है कि आपने अपने विचारों को जरूरत से ज़्यादा सख्त बना रखा है जिस वजह से आपकी लापरवाही भी नज़र आ रही है। कुंभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक है पर बढ़ते हुए खर्चों को संभालना कठिन है। इस वजह से आपको और ज़्यादा पैसा जुटाना पड़ सकता है और इस समय की यही सबसे बड़ी गलती है। क्या करना चाहिए समय? अपनी ज़रूरतों को और अपनी आमदनी के साधनों को समझना होगा, उसी में अपने फैसले करने की कोशिश करनी होगी। मीन राशि वालों के लिए रिश्तों में मुश्किलें उभरती चली जा रही हैं, फासले भी बनते चले जा रहे हैं। आपकी अच्छाई के बावजूद आप इस अहम बात को समझने में लगता है जैसे गलती कर रहे हैं। क्या करना चाहिए समय? कामकाज के प्रति रुझान बनाए रखना अच्छी बात है पर जिंदगी के और पहलुओं को भी समझना पड़ेगा।